तेरे गिरने में कोई हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। दोस्तों, किसी भी काम में अगर आप एक बार असफल होते हैं तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए जब तक वो हासिल ना हो जाए, और ये जिद आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आपकी ये क्लास, जिसका नाम है कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा कि जांच कीजिए, क्या निम्न द्विघात समीकरण है? मतलब इसको जांचना है, परखना है। जैसे आपने सुना होगा सीबीआई जांच होती है कि बताओ ये भैया ऐसे ऐसे कांड हुआ था कि नहीं हुआ था, तो जांच में जो निकलता वही माना जाता है। उसी तरह का ये समीकरण है, लेकिन लोगों को इसमें भ्रम है, इसकी जांच करिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि आप जांच करिए मैं इंसान हूं कि नहीं। अब आप लोग कहेंगे ये इंसान तो है, इसमें कौन सी जांच करना है, लेकिन आपने किस आधार पर कहा कि मैं इंसान हूं? उसका कोई एक मतलब सिस्टम होता है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ चलो, ये चश्मा है कि नहीं? ध्यान से समझना, ये कभी नहीं भूलोगे, ये चश्मा है कि नहीं? आप इसको समझ गए कि ये चश्मा है, कैसे? आपने जांच किया इसकी, क्या जांच किया आपने? आपने ये जांच किया कि चश्मा में 2 डंडी होती है, इसमें तो आधा टूट भी गया है, इसमें 2 ग्लास भी होता है ना, एक फ्रेम में ये दोनों लगे होते हैं। आपने जांच कर लिया कि ऐसे ऐसे होगा तो चश्मा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये बताओ ये चश्मा है कि नहीं, अब आप कहोगे ये तो चश्मा नहीं है, ये तो पेन है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें शीशा है, ग्लास है, ना फ्रेम है, मतलब कुछ नहीं ना। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो चश्मा था, वो चश्मे जैसे था, क्योंकि चश्मे की कोई खासियत होता है, उसका कोई प्रगुण होता है। ये क्या है? एक पेन है। पेन की क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होता है? क्योंकि हर एक पेन में लगभग एक कैप होती है। अब मान लो चलो कि कैप नहीं होती है, फिर भी उसमें एक नोक होता है जिससे वो चलता है, ये तो सभी में होता है। तो ये पेन की अपनी क्वालिटी है, अपनी खासियत है। उसी तरह से साथियों, ये द्विघात समीकरण जो है, इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक रूप स्वरूप होता है। अगर उस रूप स्वरूप का ये है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखो कैसे। हाँ साथियों, इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, मानक जिसके आधार पर इसकी तुलना करते हैं, वो होता है, मैं किस रूप में दिखाऊँ आपको, पूरा फुल रूप में ना, लिखो ax² + bx + c = 0। ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसके रूप का कोई भी समीकरण दिया है तो वो द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसमें समझो थोड़ा मोटी मोटी बात, जहाँ a, b, c, a, b, c अचर पद हैं। क्या हैं? अचर पद हैं। अब चर अचर के बारे में मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो भी मतलब लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, सभी चर कहलाते हैं, यानी वेरिएबल कहलाते हैं। जो गिनती की संख्याएं होती हैं सभी अचर कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो, अब ये तो आपके दिमाग में आ गया, इसको कहीं नोट कर लो, चूँकि हम मिटा देंगे इसको, फिर उसको हल करेंगे, तब आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए कैसे दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये दूसरे रूप का है, ये एक मुखौटा लगाया हुआ है, पहले इसका मुखौटा हटाना है, तब आप इसका चेहरा देख पाओगे कि आखिर है ये क्या। जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में एक नई नवेली दुल्हन आती है तो मुंह ढके हुए रहती है, तो आप लोग समझ नहीं पाते कौन है, कैसे है, मतलब समझ गए ना, काफ़ी समझदार हो गए आप लोग। तो उसी तरह से इसका मुखौटा पहले हटाना है, समझना है कि ये किस रूप का आता है। देखो कैसे, ये x + 1² है और ये 2 × x - 1 है, इसे हमें हल करना है। हमने बचपन में पढ़ा था a + b² की सर्वसमिका पढ़ा था, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें सर्वसमिका लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x² + a² (b) + 1² (2ab) (2a, b) हो गया, a की जगह पर x, b की जगह पर 1, ये इतना ख़त्म हो गया, ये हो गया इधर साइड का। अब इधर आओ, 2 का x में मल्टीपल करो तो 2x - 6 हो जाएगा। साथियों होगा क्या, ज़रा समझने की कोशिश करना,
ये यक्स का स्क्वायर और ये प्लस वन और ये टू यक्स है, देखो मल्टीपल होगा सब टू यक्स आएगा, इधर का जो टू यक्स है ना यार इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक प्रकार से ये टू यक्स जो है ये हो जाएगा ख़त्म, ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये बेचारा छः जो है इधर अकेले बच रहा है। चलो मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूँ माइनस का छः, ठीक। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यक्स का स्क्वायर, अब ये प्लस का वन इधर से ये छः इधर आ जाएगा, तो ये भैया इधर माइनस में था इधर आया, चिन्ह बदल गया, तो कुल मिला करके यक्स का स्क्वायर धन सात बराबर जीरो आ गया। अगर हम तुलना करें इससे किसकी, द्विघात समीकरण के मुख्य जो उसका मानक होता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से, तो आप देखोगे ये उसके रूप का नहीं है, कि है उसके रूप का नहीं है ना, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखो कैसे, मैं तुलना करके दिखा देता हूँ। देखो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो, इसके रूप का आना चाहिए, रूप का मतलब जानते हो इसके स्ट्रक्चर का, जैसे इसके नीचे इसके ला के लिखो इसे भैया, एक्स का स्क्वायर प्लस ये है सेवन बराबर जीरो। ध्यान दीजिए पहला वाला तो बराबर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर अचर पद कोई भी वन हो जाता, चलो ठीक है, पहला वाला एक्स के स्क्वायर के रूप का है। बी एक्स मतलब कोई अचर पद हो और एक चर पद भी होना चाहिए, तो भैया ये वाला पद तो यहाँ सीधा फीधा गायब है। सी मतलब सात है, चलो कांस्टेंट है ना वो उसकी जगह पर, लेकिन ये जो है पूरा पूरा इसमें से गायब है, इसमें है ही नहीं। जैसे कोई एक इंसान ला करके मतलब खड़ा करो जिसके हाथ ना हो ना उसके हाथ वाली जगह हो कहीं पर, तो आप कहोगे इंसान नहीं राछा सही, मतलब कटा ना हो हाथ, यानी उसके हाथ वाली जगह हो ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि उसके हाथ हो ही ना, तो आप कहोगे इंसान नहीं है ना। उसी तरह से ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद अगर हम बढ़ें जो अगला इसमें का पहला क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है उसको देख लो, लेकिन इसे आप कुछ सेकेंड है आपके पास, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी करिए तब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट करिए, बहुत देर हो रही, इस समय क्लास रिकॉर्डिंग का टाइम आपका वही रात में ही मिलता है रात के एक बजे, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है कभी कभी। चलिए मैं नहीं मिटाऊंगा पूरा, परेशान मत होइए, लिखते रहिए आराम आराम से, दो चार दिन में लिख लीजिएगा। चलिए मिस्टर अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो क्या होगा, इसको भी वैसे ही सब कुछ करना है, ये यक्स का स्क्वायर माइनस का टू यक्स और इक्वल ये माइनस का टू जो है उससे अंदर में मल्टीपल कर दो सब में, तो यार ये माइनस का सिक्स हो जाएगा और ये प्लस का टू एक्स हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो भैया क्या होगा, ये यक्स का स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस का टू एक्स है, इधर से जब ये टू एक्स इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, चूँकि उधर प्लस में है तो माइनस टू एक्स में माइनस टू एक्स एड होगा तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, ये प्लस सिक्स उधर माइनस सिक्स बचेगा, सिंपल सी बात है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानते हो, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा इक्वल जीरो, यानी ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, देखो इसके मानक समीकरण से तुलना कर दो, इतना आया ना, अब लिखो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, चलो लिखो ए एक्स स्क्वायर ये माइनस का फोर एक्स और प्लस का सिक्स बराबर जीरो, ये मानक रूप है। ओ आधा तो गड़बड़, आधा इधर का आधा उधर, पहले हम मानक रूप लिखेंगे, ये बी एक्स रहेगा और ये सी रहेगा, ठीक है, ओके गुड। अब समीकरण हमारा जो है इसके नीचे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, देखो ये सेम टू सेम उसी के स्ट्रक्चर का आ रहा, वैसे ही आ रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। देखो स्ट्रक्चर का मतलब समझो थोड़ा सा साथियों, कहने का ये मतलब है कि इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर है ना, मतलब ए क्या है, एक अचर पद है, इसमें भी अचर पद है, इस पे वन है मान लो, और एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस है, मतलब ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि माइनस ही रहे, मतलब लेकिन वैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर बी एक्स, बी की जगह देखो फोर है, इसमें कांस्टेंट है, यक्स की जगह पर यक्स है, प्लस सी, सी मतलब वो कांस्टेंट, उसके रूप का है, ये क्या द्विघात समीकरण है, जबकि ये उसके रूप का नहीं था, देखो इसमें बीच वाला पद गायब हो गया था, ये वाला पद फोर एक्स जो है ना गायब हो गया था, उस पर कुछ था ही नहीं, इसलिए वो द्विघात समीकरण नहीं था।
इस तरह से आप इसमें जो भी दिए गए हैं सभी का टेस्ट कर लेंगे, जो भी उस रूप के आएंगे वो द्विघात समीकरण होंगे अन्यथा नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला पार्ट इसमें का देखो, तीसरा पार्ट क्या कहता है। ये पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट है, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th NCERT मैथ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करें, और अगर आप इसे PVR स्टडी ऐप में देख रहे हैं तो नोट्स अवश्य बनाएं और ईमानदारी से देखें। चलिए, ये एक पद दिया गया है जिसे LHS बोलते हैं, ये RHS यानी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, उसको भी सॉल्व करेंगे, फाइनल में जो भी आएगा हम डिसाइड करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों का मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करना बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने सिखा दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहले यक्स लेंगे, यक्स से इसमें दोनों में गुणा करेंगे, तो यक्स का मल्टीपल जब यक्स में करोगे तो दोस्तों ये यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, दिख तो रहा है ना साइड में? ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके बाद साथियों ये यक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा? यक्स का मल्टीपल प्लस वन में करोगे तो ये प्लस यक्स हो जाएगा, कितना हो गया। अब माइनस टू ले करके इसमें दोनों में गुणा कर दो, माइनस टू का यक्स में मल्टीपल करोगे तो माइनस टू यक्स, अब माइनस टू का प्लस वन में करोगे तो माइनस का टू। ये मल्टीपल हो गया, ये दोनों का हो गया, इतना पूरे का एक में। अब इधर आ जाओ बराबर करके, एक्स का एक्स में मल्टीपल करो एक्स का स्क्वायर, यक्स का थ्री में करो तो धन ये तीन एक्स। अगर आपको ये नहीं आता बेसिक गुणा कैसे कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना, अभी आपको नंबर दिखाएंगे लास्ट में, उस पर संपर्क करना, आपको अलग से सिखाया जाएगा। ये हो गया, अब यक्स का गुणा तीन में करोगे तो ये धन, मैंने बता दिया इतना तो हो गया, धन तीन एक्स। आप साथियों माइनस तीन, वो जो एक है ना माइनस एक, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। पहले हमने यक्स पकड़ा, यक्स से इन दोनों में गुणा कर दिया, मतलब यक्स में और तीन में। अब हम माइनस वन लेंगे और इससे इन दोनों में गुणा कर देंगे। ध्यान से देखो, माइनस वन का एक्स में करोगे तो दोस्तों ये माइनस और प्लस का मल्टीपल माइनस और ये एक्स हो जाएगा, और माइनस इसका जब होगा तो ये तीन हो जाएगा। बस यही हल करना है, जो भी है आप हल कर लो, देखो क्या आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चिन्ह जो है माइनस है, प्लस है ना, उधर क्या है एक्स माइनस में है। चलो मैं एक तरफ करके दिखा देता हूँ आपको, ये यक्स का स्क्वायर है। साथियों एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ, आप लोग मिला लो कि कहीं कुछ अलग तो नहीं दिया है। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन और यक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, ठीक है क्वेश्चन सही दिया है। चलो आप दोस्तों इसके जैसे जो पद है उसे इकट्ठा करो, यक्स का स्क्वायर है ना, इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा। अब कोई एक्स स्क्वायर है कहीं? नहीं है। अब इन सबको देखो, माइनस का यक्स और ये प्लस का यक्स था ना, और ये माइनस का टू यक्स। और कोई यक्स वाला है? हाँ, ये तीन यक्स है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में यक्स है, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। देखो समझने की कोशिश करो, ये हो गया कहानी। इक्वल लगा दो, ये माइनस का तीन इधर बच रहा है, ये धन का जो दो है ना माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है बराबर के दूसरे साइड जाने पर। साथियों ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे घट पिट के, माइनस माइनस या प्लस प्लस जुड़ते हैं, तो ये यक्स में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दो यक्स। समझने की कोशिश करो, एक्स यक्स में जुड़ेगा तो दो यक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ेगा, तो भैया फाइनल में ये हो जाएगा कितना देख लो, दो यक्स माइनस ये तीन दो पाँच यक्स, और बराबर क्या बचेगा? ये माइनस प्लस घट जाएगा माइनस का वन। लास्ट में आप इसे देखोगे तो माइनस तीन एक्स बराबर एक बचेगा, यक्स का यहाँ से मान आ गया एक बटा, मतलब माइनस एक बटा तीन। यहाँ आपको कुछ पल्ले पड़ा, यक्स इक्वल माइनस वन अपान थ्री आ गया, आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो समीकरण बने ही नहीं रहा यार, तो ये कौन सा द्विघात समीकरण है? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ तो यक्स का मान आ जा रहा है, यहाँ पर कोई समीकरण बन ही नहीं रहा है, तो लिख लो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखना, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस, देखो लिख के दिखा देता हूँ, पहले इतना आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे? लिखो द्विघात के मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। ठीक है,
वैसे इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है साथियों, माइनस का bx ही होता है। आप इस पे माइनस या प्लस दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, इसका मानक समीकरण वो उसी रूप का ही होता है। इतना लिख लिए, आगे लिखो। ये हो गया मानक रूप, लिख लिया ना, द्विघात समीकरण के मानक रूप x स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। नीचे ला के इसको लिखो, x बराबर 3 माइनस वो 1/3 जो भी आया है, नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो। चूँकि यह दिए गए द्विघात समीकरण के मानक रूप के प्रकार का या फिर के रूप का नहीं है, अतः ये दिया गया जो भी मतलब समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब एक प्रकार से समीकरण तो है जो दिया गया, ऊपर इक्वेशन है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये सरल समीकरण हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन द्विघात नहीं है। बस हमें द्विघात ही निकालना था। तो स्टूडेंट, आप सभी इसको नोट कर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, घर से करना, इनको होमवर्क है। ये 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने 4 बता दिए और 4, 5 आपको दिए हैं, आप इनको घर से करना। अगर ये द्विघात समीकरण के मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप के आते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के रूप के, तो द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, करके देख लेना। इसके अलावा अगर आप पूरा कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो आप जल्दी से अभी तुरंत PBR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। और हाँ, PBR स्टडी 3.0 इसको सर्च करना यूट्यूब पर, यह चैनल सब्सक्राइब करना, चूंकि NCERT के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिसका पूरा नाम है PBR स्टडी 3.0 NCERT सॉल्यूशन। और अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स एक महीने के अंदर पढ़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी और एक अच्छी क्वालिटी में, कोई डाउट है वो भी पूछना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से PBR स्टडी का ऐप तुरंत डाउनलोड करें और पढ़ते रहें। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत अच्छे रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत कर दीजिए लाइक, और दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो फिर कुछ मत करिए, जल्दी से नोट्स बनाइए और फटाफट देखिए, क्योंकि कुछ क्लास डेमो के रूप में यूट्यूब पर भी अपलोड की जाती हैं, है ना।